गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टेम एंड रूट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक द इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनफ्लोरेसेंस. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनफ्लोरेसेंस क्या है. इट इज़ एग्रीगेशन ऑफ द फ्लावर्स ऑन द प्लांट. फ्लावर्स का प्लांट के ऊपर एग्रीगेट होना, इकट्ठा होना इनफ्लोरेसेंस कहलाता है. तीन टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ब्रांचिंग. फर्स्ट इज रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, सेकंड इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस, थर्ड इज मिक्स्ड इनफ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, अब रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या है. इट इज़ अ इनडेफिनिट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन कंपैरिजन टू साइमोस इनफ्लोरेसेंस. साइमोस इनफ्लोरेसेंस इज डेफिनेट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस इज मोनोपोडियल ब्रांचिंग और साइमोस में सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगी ट्राइग्रामेटिक फॉर्म में. रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में यंगेस्ट फ्लावर होता है एपेक्स पर और एट द सेंटर. साइमोस में होता है यंगेस्ट फ्लावर नियर द बेस और टू द आउटसाइड. रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में ओल्डेस्ट फ्लावर्स होते हैं बेस पर और आउटसाइड. ठीक है, ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम्स, लाइक इन 5 मार्क्स और 2 मार्क्स, और मतलब कम मार्क्स का एक क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइस रेसिमोस एंड साइमोस फ्लावर्स. ठीक है, इनफ्लोरेसेंस तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ठीक है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस आप देख सकते हैं. सपोज ये प्लांट है, दिस इज़ अ ग्रीन कलर, ये जो लाइन है दिस इज़ प्लांट. ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारी रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है, मतलब फ्लावरिंग कहाँ देख रहे हैं आप, बीच बीच में. साइमोस इनफ्लोरेसेंस में आप देखेंगे एक बार बीच में से जब बन गई है ब्रांचेस तो उसके ऊपर टिप पे आपके दिखाई देंगे आपको साइमोस इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, नाउ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज टाइप्स. फर्स्ट इज टिपिकल रेसीम, स्पाइक, कैटकिन, कॉरम, अम्बल, पेनिकल, कैपिटुलम. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज. स्पेडिक, स्पाइकलेट एंड कैपिटेट. नाउ इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस यूनिपेरस साइम, मोनोकेजियल साइम भी बोलते हैं इसको, बाईपेरस साइम, डाइकेजियल साइम भी बोलते हैं, मल्टीपेरस साइम. ठीक है, एक स्पेशल साइमोस इनफ्लोरेसेंस होती है जिसको, जिसमें एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो हम पढ़ेंगे, हाइपेंथोडियम फाइकस, उसमें एग्जाम्पल है फिग, वर्टिकल एस्टर एंड सियाथियम. ठीक है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज. नाउ फर्स्ट इन द रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, फर्स्ट है टिपिकल रेसीम. इन टिपिकल रेसीम द मेन एक्सेस इज इलोंगेटेड. जो टिपिकल रेसीम होता है उसमें जो मेन एक्सेस होता है वो इलोंगेटेड फॉर्म में होता है. द मेन एक्सेस बियर्स, देख सकते हैं मेन एक्सेस बियर्स इलोंगेटेड फॉर्म. ठीक है, द मेन एक्सेस बियर्स लिटरली अ नंबर ऑफ फ्लावर्स. जो मेन एक्सेस हैं उसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट है, यू कैन सी हेयर. ईच फ्लावर हैज़ अ पेडिसल और अ स्टॉक. हर फ्लावर में एक पेडिसल है और एक स्टॉक है. ठीक है, दिस इज स्टॉक. एग्जाम्पल केशिया फिस्टुला. ठीक है, दिस इज़ अ रेसिमोस. केशिया फिस्टुला, यू कैन सी दिस फ्लावर. ठीक है, दिस इज केशिया फिस्टुला. इट इज़ वाइडली ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट. ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, मीन सजावट के लिए यूज़ होता है. इट ब्लूम्स इन लेट स्प्रिंग. फ्लावरिंग इज प्रोफ्यूज विद ट्रीज बींग कवर्ड विद येलो फ्लावर्स. येलो फ्लावर्स होते हैं इसके, मैनी टाइम्स विद ऑलमोस्ट नो लीफ बींग सीन. इसमें कोई लीफ भी नहीं दिखाई देती. ठीक है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल रेसीम. नाउ नेक्स्ट इज स्पाइक. वॉट इज स्पाइक इज, अब यू कैन सी द फ्लावर्स अरेंज्ड ऑन द ब्रांच और स्टेम ऑफ द प्लांट लाइक दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन. द मेन एक्सेस इज इलोंगेटेड. जो मेन एक्सेस है वो इलोंगेटेड है लाइक रेसीम. इंडिविजुअल फ्लावर्स आर सेसाइल विदाउट पेडिसल. पेडिसल इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब डायरेक्टली ये अटैच है आपके स्टेम पर. एग्जाम्पल बॉटल ब्रश. बॉटल ब्रश एक प्लांट है आपका रेसिमोस कैटेगरी में. ये है आपका बॉटल ब्रश प्लांट. ठीक है, दिस इज बॉटल ब्रश. इट इज़ आर मोस्टली फाउंड इन द मोर टेम्परेट रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इट टिपिकली फेवर मॉइस्ट कंडीशंस. ये मॉइस्ट कंडीशंस में ग्रो होता है. व्हेन प्लांटेड इन गार्डन्स थ्राइव ऑन रेगुलर वाटरिंग. ठीक है, नाउ कैटकिन. इट इज़ अ स्पाइक कैटेगरी. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दैट इज बियर्स ओनली स्टेमिनेट हैविंग स्टेमन्स एंड पिस्टिलेट हैविंग पिस्टल्स फ्लावर्स.
सेसाइल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, हिडन बाय ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स भी प्रेजेंट होता है इसमें। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं और पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टेमेंस और पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। सेसाइल कैटेगरी के फ्लावर्स हैं, मतलब डायरेक्टली अटैच आपको दिखाई देंगे फ्लावर्स, हिडन होते हैं बाय ब्रैक्ट्स, ठीक है, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स होते हैं छोटे छोटे आपके इन द फॉर्म ऑफ बेरीज, एग्जाम्पल मलबेरी, विलो एंड रेसिमोस। नाउ कैटकिन में यू कैन सी मैनी ट्रीज बियर कैटकिन, सो विलो फ्लावर कैसा होता है, यू कैन सी दिस, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ विलो फ्लावर। ये सेसाइल फ्लावर्स हैं आपके, डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ठीक है, सेसाइल फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट हैं, स्टेमेंस और पिस्टल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोरिम, कोरिम में क्या है, द मेन एक्सेस इज कंपेरेटिवली शॉर्ट, जो मेन एक्सेस है वो कंपेरेटिवली शॉर्ट है, यू कैन सी दिस वी टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। द स्टॉक ऑफ द लोअर फ्लावर्स आर लॉन्गर देन दोज ऑफ द अपर यंगर वंस, जो स्टॉक हैं लोअर फ्लावर्स के, मतलब कि जो लोअर, यहाँ पे सपोज ये हमारे फर्स्ट फ्लावर हैं, अगर फ्लावरिंग हमारी स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से लेके नीचे की साइड आप देखेंगे तो ये वाला जो एंड है ये नीचे होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो जो लोअर फ्लावर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो स्मॉल फ्लावर्स हैं जो ऊपर की साइड होने चाहिए, यंग फ्लावर्स, वो इधर की साइड हमारे छुप गए हैं। ऑफन फ्लैट टॉप्ड होते हैं, एग्जाम्पल द बेरिस, कैंडी टफ्ट, ठीक है, ये आपका कैंडी टफ्ट है, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ रेसिमोस कैटेगरी ऑफ प्लांट। द लीव, स्टेम एंड रूट आर सेट टू पोजेस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसकी जो लीव्स भी होंगी, स्टेम भी होगी, रूट होगी, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होगी। द सीड्स आर ऑलमोस्ट एफिकेशियस, एफिशियंसी उनकी अच्छी होती है, बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट अम्बेल, द मेन एक्सेस इज शॉर्टन, जो मेन एक्सेस है वो शॉर्टन है, दिस इज पेडिसल, यू कैन सी एक जैसा है सारा कुछ। इंडिविजुअल फ्लावर पेडिसल्स ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम स्पॉट ऑन द, सबके सब अलग स्पॉट से आपके जो पेडिसल हैं वो सब एक स्पॉट, ये एक पर्टिकुलर स्पॉट है, यहीं से आपके ओरिजिनेट हो गए हैं। ऑन द पेडंकल, दिस इज नोन एज पेडंकल, मीन्स स्टेम, स्टेम की साइंटिफिक नेम होती है पेडंकल, एग्जाम्पल हाइड्रोकोटाइल, ब्राह्मी बूटी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्राह्मी बूटी। यू कैन सी इन सम केसेस ऑफ नंबर ऑफ अम्बल्स आर प्रेजेंट इन मेन एक्सेस, सच कंपाउंड इन फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कंपाउंड अम्बल, कैरेट भी एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट इज पेनिकल, अ हाईली ब्रांच्ड इन फ्लोरेसेंस कंसिस्ट ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, यहाँ पे आप देखेंगे हाईली ब्रांच्ड है, बहुत सारे यहाँ पे फ्लावर्स हैं, रिपीटिंग यूनिट्स हैं। पेनिकल्स कैन बी मेड ऑफ मैनी स्पाइक्स, रेसीम्स, कॉरिम्स एंड अम्बल्स, सबकी एक मिला जुला पेनिकल कहलाता है, एग्जाम्पल ग्रेप्स, मैंगो, ओट्स, ठीक है, कॉमन ग्रेप का एग्जाम्पल है, ग्रेप्स तो सबने देखे ही हैं, ऐसे झुंड में लगते हैं बहुत सारे, मतलब ये सारे जितने भी टाइप की रेसिमोस एंड फ्लोरेसेंस कैटेगरी होती है उन सबका मिक्सचर है। ग्रेप्स आर अ टाइप ऑफ फ्रूट दैट ग्रो इन क्लस्टर्स ऑफ 15 to 300, इट कैन बी ब्लैक, डार्क ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट इज कैपिट्यूलम, कैपिट्यूलम कंसिस्ट ऑफ डेंस टर्मिनल सेसाइल फ्लावर्स, फ्लावर्स विच हैव नो पेडिसल, इसमें कोई पेडिसल नहीं होते, डायरेक्टली अटैच होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स आर क्राउडेड टुगेदर और अ वेरी शॉर्ट एक्सेस, ठीक है, क्राउडेड होते हैं एक साथ और बहुत शॉर्ट इनकी एक्सेस होती हैं। इट लुक्स लाइक अ सिंगल फ्लावर, एग्जाम्पल सनफ्लावर, सनफ्लावर में कैसे लगे होते हैं ये देख सकते हैं आप। सनफ्लावर प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स। नेक्स्ट इज स्पेडिक्स, स्पेडिक्स इज अरेंज्ड विद इलोंगेटेड थिक एंड फ्लैशी एक्सेस कैरिंग सेसाइल फ्लोरेट्स, यूजुअली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसमें, एग्जाम्पल एकेरस, ठीक है, स्पेडिक्स में आप देख सकते हैं डायरेक्टली अटैच लाइक सेसाइल फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइकलेट, इट इज़ प्रेजेंट इन फैमिली ग्रामिनी, ग्रामिनी एक फैमिली है उसमें आपके स्पाइकलेट्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय स्मॉल एंड ब्रांच स्पाइक्स, दे आर प्रोवाइडेड विद टू ब्रैक्ट्स एट द बेस नोन एज ग्लूम्स एंड ब्रैक्टियोल्स कॉल्ड प्लिया पेलिया। नाउ कैपिटेट, इन्फ्लोरेसेंस सिमिलर टू अम्बेल टाइप एक्सेप्ट द फ्लावर्स आर ससाइल, इसमें फ्लावर्स बेसिकली ससाइल होते हैं नेचर में, एग्जाम्पल अकेशिया। नाउ इन साइमोस कैटेगरी, नाउ दिस इज ऑल अबाउट रेसिमोस कैटेगरी, नाउ साइमोस कैटेगरी में, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में फर्स्ट है यूनिपेरस साइम। यूनिपेरस साइम क्या होता है, द मेन एक्सेस एंड्स इन फ्लावर एंड प्रोड्यूस ओनली वन डॉटर एक्सेस, एक मेन एक्सेस होती है जो कि फ्लावर की फॉर्म में एंड होती है और एक डॉटर एक्सेस भी प्रोड्यूस करती है। डॉटर एक्सेस अगेन एंड्स इन फ्लावर एंड गिव राइज टू वन डॉटर एक्सेस, मतलब एक मेन एक्सेस से एक डॉटर एक्सेस बनेगी, फिर उस डॉटर एक्सेस से फर्दर एक डॉटर एक्सेस बनेगी, यही साइकिल आपकी रिपीट होती जाएगी, एग्जाम्पल बिगोनिया। नेक्स्ट बाईपेरिस स्पाइन, द मेन एक्सेस एंड्स इन फ्लावर एंड प्रोड्यूसेस टू डॉटर एक्सेस,
उसमें आपकी एक डॉटर एक्सेस बन रही थी, इसमें दो डॉटर एक्सेस बनेंगी, ठीक है। ईच ऑफ द टू डॉटर एक्सेस अगेन एंड इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूसेस टू डॉटर एक्सेस, कंटिन्यू द ब्रांचिंग इन द सेम मैनर, ठीक है। एग्जाम्पल सिलीन एंड हाइपोमोइया, यू नीड टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कैटेगरीज, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल शुड बी रिटन इन असाइनमेंट एंड इन एग्जाम्स ऑल्सो। नाउ मल्टीपैरस साइन क्या होता है, द मेन एक्सेस एंड्स इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस मल्टीपल एक्सेस, ईच ऑफ इट मे कंटिन्यू द ब्रांचिंग इन द सिमिलर मैनर, एग्जाम्पल यूफोरबिया। नाउ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में आपने क्या पढ़ा था, सियाथियम है एक, ठीक है। तो सियाथियम पहला है इसमें कि सियाथियम क्या होता है, द ब्रैक्ट्स और द इन्वॉल्यूक्र बिकम फ्यूज टू फॉर्म अ कफ शेप स्ट्रक्चर ऑन द मार्जिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है आपके ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्ट्स क्या होंगे, कप शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे एट द मार्जिन ऑफ द ब्रांच। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कप शेप स्ट्रक्चर अ सिंगल फीमेल फ्लावर इज फाउंड, सिंगल फीमेल फ्लावर फाउंड होगा एक कप साइड स्ट्रक्चर में, ठीक है। विच मेच्योर अर्लियर, जो कि अर्लियर मेच्योर हो चुका होगा ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पेडिसल, दिस कम आउट फ्रॉम द कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रोथ हो जाएगी उसके पेडिसल की, जिसकी वजह से वो पहले बाहर आ जाएगा। फीमेल फ्लावर आर सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मेल फ्लावर्स, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे मेल फ्लावर्स से सराउंडेड होते हैं। द मेल फ्लावर विच लाई टूवर्ड सेंटर मेच्योर अर्लियर देन द फ्लावर विच आर टूवर्ड्स पेरीफेरी, जो मेल फ्लावर्स होते हैं जो सेंटर की साइड प्रेजेंट होते हैं वो जल्दी मेच्योर होते हैं इन कंपेरिजन टू द फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ द कप शेप्ड सियाथियम। दिस इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन यूफोरबिएसी फैमिली, लाइक एग्जाम्पल इज यूफोरबिया एंड पेडिलेंथस। सेकेंड कैटेगरी इज वर्टिकल एस्टर, विच इज अ मिक्सड इन्फ्लोरेसेंस एज इन मैनी लेबिएटी फैमिली, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ मच कंडेंस नियरली सेसाइल साइम्स, इसमें सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं अरेंज्ड अराउंड एन एक्सेस लाइक अ ट्रू विट्रिसल, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें मेंथा, मिंट आपने देखा होगा कैसे अरेंज होता है, साथ साथ बहुत सारे लीव्स उसके इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट हाइपेंथोडियम, इट इज़ अ पेडंकल, इज मॉडिफाइज इन नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो इसकी स्टेम होती है वो कप लाइक स्ट्रक्चर में, नैरो शेप के कप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। एट द बेस ऑफ कप फीमेल फ्लावर्स डेवलप वाइल टूवर्ड्स माउथ मेल फ्लावर डेवलप, नीचे की साइड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है, ऊपर की साइड मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन दिस फ्लोरेसेंस, एग्जाम्पल बनियान ट्री, पीपल एंड फाइकस स्पीशीज। एक आपकी होती है मिक्सड इन्फ्लोरेसेंस, वो क्या होती है, समटाइम्स फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बोथ रेसिमोस एंड साइमोस मैनर, मतलब दोनों के दोनों मैनर में एक साथ जब आपका फ्लावर अरेंज होगा, लाइक साइमोस कैटेगरी पे होगी एंड रेसिमोस भी होगी, और एक ही स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो उसे मिक्सड फ्लोरेसेंस बोलते हैं, एग्जाम्पल बनाना और ग्रेप्स। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम।